जितनी देर तक इसकी जड़ तक तय तक नहीं जाएंगे, दुनिया के दुनिया को बताना होगा, हिंदुस्तान को भी, हिंदुस्तान की जनता के साथ दुनिया को बताना होगा कि आतंकवाद की असली जड़ क्या थी, क्यों पंजाब में आतंकवाद आया, क्यों कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडित भाइयों का प्लान हुआ। उतनी देर तक इंसाफ मिलने वाला नहीं जितनी देर तक सच्चाई नहीं आएगी। बिट्टा साहब, द कश्मीर फाइल्स बड़ा गर्म मुद्दा ये बना हुआ है, इसके डायरेक्टर को वाई कैटेगरी की सुरक्षा भी मिली हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आकर के इस पिक्चर की तारीफ की है, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे इस पिक्चर को लेकर? सबसे बड़ी बात तो यह है कि अग्निहोत्री जी ने मौत का कफन बांध के पिक्चर तो बनाई, इसमें कोई शक नहीं। किस तरीके से बेगुनाहों के कातिल, पाकिस्तान के एजेंट, कई वर्ष पहले हमारे हिंदुस्तान के राजनीतिक लोगों की गलतियों से पनपा हुआ आतंकवाद, जिनकी गलतियों से मासूम कश्मीरी पंडित भाई बहनों बच्चों को मौत का शिकार होना पड़ा, हमने ये तो सब दिखा दिया, गोलियां चलती हुई दिखा दिए। पर एक हिंदुस्तान जो एक दुनिया में बैठा हुआ हर सच्चा भारतीय एक जो सच्चाई मांगता है, गोलियां क्यों चली, बम क्यों चले, कश्मीरी पंडितों का प्लान क्यों हुआ, उनकी बर्बादी क्यों हुई, उनके घर क्यों उजड़े, इसके पीछे राजनीतिक गलतियां क्या थी। देखो, कोई भी आतंकवाद आता है, कोई भी हालात खराब होते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई राजनीतिक साजिश होती है। चाहे पंजाब में किसान आंदोलन शुरू हुआ हो, चाहे बंगाल के अंदर इलेक्शन के बाद कई बेगुनाह हिंदू भाइयों का कत्लेआम हुआ, उनको घर घर के घर उजाड़ दिए, गोलियों का निशाना बना दिया, जख्मी कर दिया गया। पंजाब के अंदर आतंकवाद आया, 36,000 बेगुनाहों का खून हुआ, 19,000 उसमें हिंदू भाई शहीद हुए, वहाँ भी ट्रेनों से बसों से निकाल करके सिख भाइयों को अलग करके हिंदू भाइयों को गोलियों का निशाना बनाया जाता था, वही इधर हुआ, मुस्लिम समाज को अलग और हिंदू समाज को अलग, और जो हिंदू समाज लाइन में खड़ा करके उनको गोलियों से निशाना बना दिया, आपने वो सीन देखा होगा। पर हम इस तय तक कभी जाने की कोशिश नहीं करते, ये हुआ क्यों, वोट बैंक पॉलिटिक्स थी, मेहमान नवाजी थी उस वक्त की, फारूक अब्दुल्ला के परिवार के साथ, शेख अब्दुल्ला के साथ क्या रिश्ते थे, पंजाब में आतंकवाद क्यों आया, भिंडरांवाला हरमंदर साहब में क्यों भेजा गया, राज करते करते इनकी गलतियों से कश्मीर भी बर्बाद हुआ, कश्मीर के लोग भी उजड़े, कश्मीरी पंडित उजड़े, और पंजाब के अंदर हिंदू समाज और सेकुलर सिखों का प्लान हुआ, दोनों की स्थिति एक जैसी है। इसके पीछे जितनी देर तक उसकी उस वक्त की राजनीतिक लोगों की गलतियों के कारण, उनकी कुर्सी और सत्ता की भूख के कारण लाखों लोग आज तक कुर्बान हुए, 26/11 की घटना हुई, पार्लियामेंट की घटना हुई, दिवाली के दिनों में जगह जगह ब्लास्ट होते, लाखों शहादतें हुई हिंदुस्तान के अंदर कश्मीर के कारण और पंजाब के कारण, और हजारों जवान अपन से दूर चले गए, उनके परिवार अकेले के अकेले रह गए, तिरंगे झंडे का अपमान हुआ कश्मीर के अंदर, बार बार तिरंगे झंडे को आग लगाई जाती थी, जवानों पर पत्थर फेंके जाते थे, एक आतंकवाद का गुलाम बन चुका था पंजाब और कश्मीर। जितनी देर तक इसकी जड़ तक तय तक नहीं जाएंगे, दुनिया को बताना होगा, हिंदुस्तान को भी, हिंदुस्तान की जनता के साथ दुनिया को बताना होगा कि आतंकवाद की असली जड़ क्या थी, क्यों पंजाब में आतंकवाद आया, क्यों कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडित भाइयों का प्लान हुआ। उतनी देर तक इंसाफ मिलने वाला नहीं जितनी देर तक सच्चाई नहीं आएगी। बिट्टा साहब, जिस प्रकार से तथाकथित नेशनलिस्ट कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पिक्चर को कह रहे हैं कि इसमें आधा झूठ दिखाया गया है, क्या लगता है आपको? ऐसा है, झूठ क्या, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपने क्या झूठ दिखा, क्या किसी हिंदू भाई ने, क्या पंजाब के अंदर किसी हिंदू भाई ने, कश्मीर के अंदर हिंदू भाई ने क्या किसी खालिस्तानी को मारा, क्या रास्ते में जाते जाते ट्रेनों बसों से निकाल करके कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडित भाइयों ने क्या किसी मुसलमान को मारा, हिंदू को छोड़ के मारा, क्या किसी के हाथ में बंदूक थी, क्या किसी के हाथ में तरचूल था, क्या किसी के हाथ में लाठी थी, क्या किसी के हाथ में कृपान थी, पंजाब हो या कश्मीर हो, ना किसी हिंदू भाई ने सिख भाई को मारा, ना खालिस्तानी को मारा, ना आतंकवादी को मारा, ना कश्मीर के अंदर किसी आतंकवादी को मारा,
ना किसी पे लाठियां चलाई, ना किसी पे कृपाण चलाई, ना किसी पे गोलियां चलाई। तो क्या झूठ क्या था? जो कत्लेआम हुआ, जो कश्मीरी पंडित भाइयों को उजाड़ा गया, उनका प्लान कराया गया, वो तो सामने सच है। अगर कोई कहता है ये गलत दिखाया गया, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूँ, कोई भी व्यक्ति आए वन टू वन मेरे से बहस कर ले, मैं हार जाऊँगा, दोबारा किसी चैनल पे नहीं आऊँगा। आए बहस करें, कौन कह रहा है मुझे नाम बताइए, कौन कह रहा है? महबूबा मुफ्ती हो या फारूक अब्दुल्ला हो या शेख अब्दुल्ला जी हो या उमर अब्दुल्ला हो, ये तो आतंकवाद के ऊपर बेगुनाहों का जब कत्लेआम होता है उनके ऊपर पॉलिटिक्स करते हैं। इन्होंने तो हमेशा राजनीति की है। हमारे देश का खून पसीने का पैसा, हमारे लोगों का टैक्स का पैसा, वो सारा तो कश्मीर में जाता था और इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते थे। अभी भी कई आतंकवादियों के बच्चे अभी भी विदेशों में है, और ये आतंकवादी, इनके परिवारों के लोग और कश्मीर के आम इनके साथी, आज से 7 साल पहले बॉम्बे के अंदर पिक्चर देखने जाते थे, दिल्ली के अंदर नई पिक्चर देखने जाते थे, प्लेन से जाते थे, रात को 5-स्टार होटल में रुकते थे और सुबह प्लेन पकड़ के मजे लेते लेते कश्मीर में उतरते थे, हमारे खून पसीने के पैसे से। अरे हमारे खून पसीने के पैसे से आप टुकड़ों पे पलते हैं, आपको हम परिवार के लोग समझते, हिंदुस्तान की सरकारें समझती रही। बाढ़ आती है कश्मीर के अंदर, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री उसी वक्त फौज को भेजते हैं, एक भी मेरा कश्मीरी भाई, मेरी बहन, मेरा बच्चा बाढ़ में बहना नहीं चाहिए, फूलों की तरह निकालते हैं। और आप हिंदुस्तान के कश्मीरी पंडितों के ऊपर जुर्म डाते रहे, उसके ऊपर जुर्म डाते, और हिंदुस्तान की सरकारें उनको सम्मान देती रही, आज इनकी जगह जेल में है, आज ईडी के रेट होते हैं, आज पूछा जाता है आपको फंडिंग पाकिस्तान ISI कैसे करती थी, आपने किन किन लोगों का कत्लेआम किया। और ये सवाल उठाते हैं कि पिक्चर को गलत बताया गया, जो कहता है पिक्चर को गलत बताया गया वो इस मातृभूमि का नमक खा के इस देश की राष्ट्र मातृभूमि के साथ धोखा करता है। बड़ा अच्छा सवाल पूछा। नरेंद्र मोदी अमित शाह जी ने 370 धारा हटाई, मैं तो नहीं सोच सकता था 370 धारा हटेगी, मैं 35 तक सोचता था। ठीक, 70 साल की कैंसर की बीमारी को हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर अमित शाह ने उखाड़ के फेंक दिया। मेरा सवाल आपसे, को दंगा हुआ, को गोली चली, को पूरी दुनिया में शोर शराबा मचा, को यूनाइटेड नेशन में शोर शराबा मचा, पूरी दुनिया आज हिंदुस्तान के साथ खड़ी हो गई, पाकिस्तान के साथ चाइना जैसा देश उनका सपोर्टर भी खड़ा नहीं हुआ, बांग्लादेश भी खड़ा नहीं हुआ। हमारी जीत हुई, हमने 370 धारा, हमने तो नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने हटा करके, कोई दंगा नहीं, को फसाद नहीं, को गोली नहीं, अमन शांति ले लिया, तो पहले की सरकारों ने क्यों नहीं किया? दिखाएं, नई पिक्चर और बने, पार्ट टू बने, उन पॉलिटिशियनों को नकाब खोलें, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन को पता चले कि राजनीतिक आतंकवाद क्या होता है। फौज को आगे कर दो और लोगों को आगे कर दो, और आप पीछे राजनीति करते रहो। अगर नरेंद्र मोदी जी ने कदम उठा दिया, अमन शांति रहा, आतंकवाद समाप्त हुआ, आतंकवाद को जड़ से खत्म कर दिया। आज आतंकवादी आते, मैं नहीं कहता नहीं आते, आते, उनको ठोक ठोक के मारा जाता है। एक गोली चलती है, हमारे जवान 100 गोली चलाते हैं, और जवान को दिल्ली से पूछना नहीं पड़ता कि साहब गोली चलाएं, 6-7 साल पहले तो पूछना पड़ता था, हमारे जवानों को सिर काट देते थे, पूछना पड़ता था साहब गोली चलाएं ना चलाएं। इसका मतलब सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल टेररिज्म है वो देश की जनता के सामने आना चाहिए कि उन्होंने उस वक्त शेख अब्दुल्ला के साथ एक मोहब्बत, एक प्यार, उनका घरेलू रिश्ता, उसको निभाते निभाते इन्होंने पूरे कश्मीरी पंडितों को बर्बाद कर दिया, उनके घर उजाड़ दिया। यही पंजाब में खालिस्तान में हुआ, 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हो गया, 84 के दंगे हो गए, ना 84 के दंगों का इंसाफ मिला, ना 36,000 बेगुनाहों लोगों का इंसाफ मिला, ना 19,000 भाई जो शहीद हुए उनका इंसाफ मिला। कौन थे इनके पीछे? अगर नरेंद्र मोदी जी कर सकते थे, अमित शाह जी स्टेप उठा सकते थे, खतरनाक स्टेप उठा सकते थे, पता नहीं कल को क्या होगा, तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों ने क्यों नहीं किया? जितनी देर तक ये तस्वीर सामने नहीं आएगी, पॉलिटिकल टेररिज्म क्या होता है, राजनीतिक आतंकवाद क्या होता है, इनके चेहरे कुछ होते हैं, अंदर से कुछ होते हैं, वो नहीं सामने आएगा। अरे आज़ादी से बाद से आज तक किसी ने सुख का जीवन देखा ही नहीं, अब जाके कहीं आतंकवाद को राहत मिली है, अब जाके, वो भी 370 धारा हटने के बाद। बेटा साहब, जिस प्रकार से पंजाब के अंदर भी जो है आतंकवाद एक समय पर ऐसा था, चरम पर था, लेकिन आज जब हम पंजाब को देखते हैं तो उसकी तस्वीर कुछ अलग है। अब आप क्या कहें? मैं एक चीज़ कहूँ, मैं पुराना कांग्रेसी हूँ,
कांग्रेस के प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस जी भी रहे, सरदार पटेल भी रहे, लाल बहादुर शास्त्री रहे, बाबा साहब अम्बेडकर भी कांग्रेस में थे, बड़ी आज़ादी की लड़ाई लड़ी उन्होंने, उनको तो नहीं गलत कह सकते। कांग्रेस उनके खून से सजी थी कांग्रेस, इन्होंने कुर्सी सत्ता से दोस्ती कर ली, उन्होंने मौत से दोस्ती की थी, हमने मौत से दोस्ती कर ली, इन्होंने कुर्सी सत्ता से दोस्ती कर ली। जिन्होंने सरदार पटेल जिन्हों राजे महाराजाओं से रियासतों से निकाल करके इस भारत को एक कर दिया, ये उनकी सोच के उलट चल करके इस कांग्रेस को बदनाम कर दिया, हम लोगों को बदनाम कर दिया। ये तो बहुत बड़ी साजिश थी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब को उड़ाने की। कल मैं विशाखापट्टनम था, वहाँ कल मैं गया किसी मंदिर में मथा टेकने गया भोले शंकर जी के, एक रास्ते में गांव में पुल थे, छोटे छोटे पुल थे, वहाँ सुरक्षा लगी हुई है, वहाँ डॉग स्क्वाड है, वहाँ बम देखने वाली टीम खड़ी है, सुनसान है, जंगल है। तो कल मुझे एक नया अनुभव हुआ भाई, अगर मेरे जैसा छोटा सा व्यक्ति किसी मंदिर में गांव में निकल के जाता है, छोटे छोटे पुलों पे पता नहीं कितने पुल थे, लोग लगाए हुए थे, ये नहीं खड़े हैं, उनकी चेकिंग हो रही है, तो जहां तो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जिनको पूरी दुनिया के अंदर आतंकवाद से खतरा है, जो आतंकवाद के लिए खतरे की घंटी हमेशा तैयार रहती है, और पाकिस्तान में आतंकवादी रात को सोते सोते भी कहते हैं मोदी 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 आ गया हमें मार देगा, दाऊद इब्राहिम जैसे लोग, उनको अपने देश के अंदर कांग्रेस की हमारी सरकार हो और आपने एक ब्रिज के ऊपर अकेला छोड़ दिया, लवारे छोड़ दिया, एक तरफ गंगानगर 50 किलोमीटर का बॉर्डर, एक तरफ फिरोजपुर 30 किलोमीटर का बॉर्डर, एक तरफ वाघा बॉर्डर, चारों तरफ से 600 किलोमीटर में पंजाब पाकिस्तान के बॉर्डरों पे लगता है, उस पाकिस्तान के आगे हमने हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी जी को दुनिया में खतरा पैदा नहीं हुआ, पाकिस्तान में खतरा पैदा नहीं हुआ, और अपने देश के अंदर आपने उनको खतरे में डाल दिया, क्या इसकी जांच होगी? यही है, इसको कहते हैं पॉलिटिकल टेररिज्म, कि प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को पॉलिटिकल टेररिज्म के दायरे में ला करके उनके जीवन का नुकसान करना और पूरे हिंदुस्तान में आग लग जाती। आज दुनिया में बैठे करोड़ों लोग, मैं बीजेपी में नहीं हूँ, जो बुरा कहता कहे, पर जो उस व्यक्ति ने इस राष्ट्र के लिए काम किया है, 370 धारा हटाई है, राम जन्मभूमि का निर्माण किया है, देश की सीमाओं को सुरक्षित किया है, देश की फॉरेन पॉलिसी को सुरक्षित किया है, और आपने देखा यूक्रेन के अंदर का, अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जगह होते, क्या वहां से हमारे बच्चे आ जाते? हम कोई उसका शुक्रिया अदा करने को तैयार नहीं। पाकिस्तान के जो स्टूडेंट आए वो तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की हिंदुस्तान की तारीफ करते हैं, पर हमारे हिंदुस्तान में आके कोई बोलने को तैयार नहीं। हर पॉलिटिकल पार्टी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को गलत कहती है। देश की डिफेंस पॉलिसी मजबूत हुई, आज बताओ कितनी गोलियां चलती हैं पाकिस्तान से, किसकी हिम्मत है चाइना की हमारे हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के देख ले? ये हमारा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मजबूत है, उसकी एक पॉलिटिकल विल मजबूत है, क्या उसको को कहने को तैयार है? इन सब चीज़ों की आज बहुत बड़ी जाँच की ज़रूरत है। कश्मीर के अंदर टेररिज्म क्यों आया, पंजाब के अंदर टेररिज्म क्यों आया, और पंजाब के ऊपर, इसके बाद पंजाब के ऊपर भी पिक्चर बननी चाहिए, और पार्ट टू कश्मीर पिक्चर के ऊपर बनना चाहिए, और इसका पार्ट टू का एक ही मतलब होना चाहिए, इसके पीछे आज़ादी के बाद कौन पॉलिटिशियन से ऑक्यूपाई कश्मीर हमारे से दूर क्यों चला गया, 370 धारा क्यों लगी, इसके जिम्मेदार क्यों कौन थे, और उसके बाद 70 साल के अंदर कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टियों ने राज किया, अगर नरेंद्र मोदी जी ने किया, अमित शाह ने किया, तो उन्होंने क्यों नहीं किया? ये चीज़ लोगों के सामने आनी चाहिए। सवाल बीजेपी कांग्रेस सीपीएम सीपीआई समाजवादी का नहीं है, सवाल उस व्यक्ति का है जिसने हमारे रोज जवानों की शहादतें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून के तिरंगे झंडे में बॉडी लथपथ हर गांव में हर शहर में आया करती थी, आज से 4 साल पहले 5 साल पहले, आज हमारी शहादतें कम हुई हैं, आज गोलियां चलनी बंद हुई हैं, आज सीमाओं की हमारी सुरक्षा स्पष्ट हुई है, सेफ हुई है, क्या उसके ऊपर कोई बोलेगा? मैं फिर चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, कोई मेरे साथ, कोई आ जाए माइका लाल मेरे साथ, सीमाओं की सुरक्षा, कश्मीरी पंडितों का प्लान, पंजाब में आतंकवाद, पंजाब में खालिस्तान की बात, पंजाब में गीता को बुलाना होगा, खालिस्तान बनाना होगा, ये दीप संधु के ऊपर अभी नारे लगे, अभी दीप संधु के संस्कार पे, फिर मैं बोलूं देश की जनता को बताना चाहता हूं कितना गिरा हुआ नारा लगाया इन लोगों ने खालिस्तानियों ने, गीता जी को बुलाना होगा, खालिस्तान बनाना होगा, मतलब गीता जी हजारों साल का इतिहास,
इस हरियाणा की धरती पर कृष्ण जी महाराज ने किया, गीता जी ने क्या बिगाड़ा भी आपका? क्या इन लोग इन चीज़ों की जांच होगी? नारे लगाने वाले कौन थे, कौन आगे लगाने वाले? और आज कई धर्म के ठेकेदार इन खालिस्तानियों की मदद करते हैं, कहते हैं आतंकवादियों को छोड़ दो, और क्या कहते हैं उन लोगों को मिलने जाते हैं धर्म के ठेकेदार जिन्होंने तिरंगे झंडे का अपमान किया था।